इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो तीन विधेयक हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार लेकर आई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी दुगनी तिगनी चौगनी होनी चाहिए, तो वो किस तरह से होगी? जो एक सिस्टम स्टीरियोटाइप चल रहा है सालों साल से, हमने ये देख लिया कि उससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितना बढ़नी चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी आमदनी जो है वो बढ़े। इसी बात को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने जो है ये तीन विधेयक जो है पार्लियामेंट में लेकर आए, जो कि लोकसभा में भी और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हुए। इसके तहत मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अभी तक एक स्टीरियोटाइप सिस्टम से अपनी क्रॉप लगाते थे, जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल मैक्सिमम चावल लगा दिए और उसके बाद गेहूँ लगा दिए, फिर चावल लगा दिए, फिर गेहूँ लगा दिए। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि किसान भाई थोड़ा सा हट के सोचें, वो बेशक से चावल भी लगाएं, गेहूं भी लगाएं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे हम हॉर्टिकल्चर में, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, तो क्यों ना वो हट के भी अगर कुछ लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो उसमें उनकी आमदनी जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने जो है वो कमोडिटी एक्ट के तहत उसमें भी जो है जो हमारी जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको भी बिल्कुल फ्री कर दिया है कि अगर हमारा किसान भाई चाहे तो उनको स्टोर कर सकता है और कहीं पर भी सेल कर सकता है। पहले जो है ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर अगर सेल किया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग फीस, कोई ना कोई टैक्स आ जाता था, तो अब वो टैक्स नहीं लगेगा और इसलिए अगर वो चाहे तो वहाँ पर कहीं पर भी उसको बेच सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि जितने भी एक्सपर्ट जो हैं उन सबसे बातचीत की है तो सबने ये कहा है कि ये बहुत ही अच्छा, जो ये तीनों विधेयक हैं बहुत ही अच्छे विधेयक हैं और इससे जो है हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। तो हमारी ये कोशिश है सभी सांसदों की कि हम लोग अपने अपने इलाके में जाकर और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में समझाएं और उनको इस बात के लिए भी आगाह करें कि वो ये बात समझें कि कोई विपक्षी दल या कोई भी ऐसी पार्टी आपको बरगलाने की या बहकाने की कोशिश ना करे। या तो वो ये बता दें कि क्या उन्होंने अपने समय में इस बिल को लाने की कोशिश नहीं की? अगर हमारी सरकार ये बिल लेकर आई है तो उनको किस तरह का ऐतराज हो रहा है? आज धरातल पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है ना, जो है वो खरीद होगी। तो इसलिए हम सभी किसान भाइयों को और अपने सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता बंधु जो हैं उनको हम ये बताने आए हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल का स्वागत करें और बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करें और उनको चिट्ठी लिखें, उनको पोस्टकार्ड लिखें धन्यवाद करते हुए। तो अपनी अगर हम सिरसा लोकसभा की ही बात करें तो सिरसा में आप लोग खुद ये देखो कितने हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने कीनू की खेती स्टार्ट करी है और जब से उन्होंने कीनू की खेती स्टार्ट करी है उनको लाखों रुपया जो है उसके अंदर फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि वो परंपरागत खेती से थोड़ा हटकर भी अगर कोशिश करें, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, तो क्यों ना वो 2-3-4 एकड़ का जुआ खेल के देख लें, वहाँ पर कुछ और उगाएँ और बाकी जो ज़मीन है उस पर वही अपना धान भी लगाएँ और उस पर गेहूँ भी लगाएँ। लेकिन अगर थोड़ा हट के सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर इसका फ़ायदा होने वाला है। दो बिल हैं, वो कृषि के बिल हैं और एक जो है वो असेंशियल कमोडिटी का बिल है। जो असेंशियल कमोडिटी का बिल है उसके अंदर ये है कि पहले ये होता था कि आपको स्टोरेज करने के लिए दिक्कत आती थी, स्टोरेज नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको आप स्टोरेज भी कर सकते हो। असेंशियल कमोडिटीज़ में हमारे जो खाद्यान्न हैं, तेल हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे जो दो बिल हैं वो कृषि से रिलेटेड बिल हैं, जिसके अंदर ये है कि अब जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं बाहर भी जाकर जो है अपनी जो पहले APMC के थ्रू जो मंडियों में बेचते थे उसके अलावा भी अगर बाहर से जो जाएं वहाँ पर भी उनको अपने फसल को बेच सकते हैं। और जो तीसरे वाले एक्ट है उसके अंदर जो है उसमें ये है कि उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
कि उसमें अगर बाहर से अगर हमारा कोई व्यापारी आता है तो वो आपकी फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपकी फसल फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका ज़मीन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है, अगर आप चाहें तो फसल उगाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फसल उगाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 3 दिन के अंदर अंदर हमारे उस किसान भाई को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर जो हमारा किसान भाई है उसको हर तरह की छूट है, लेकिन व्यापारी अगर कहीं पर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ गड़बड़ करता है तो व्यापारी के जो है उसको उसको पेनल्टी भी लगेगी और उसको कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो SDM ऑफिस में इनका डिस्प्यूट जाएगा। अगर हमारा जो किसान भाई है वो कहीं पर अगर ये पीछे हटता है कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको केवल उतना ही देना पड़ेगा, जैसे अगर उसने खाद के लिए पैसा ले लिया व्यापारी से, अगर उसने बीज के लिए पैसा ले लिया व्यापारी से, तो जो पैसा उसने उसके लिए लिया है सिर्फ उतनी ही पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं है। ये बताती हूँ कि वो हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं व्यापारी के साथ उनकी, जो आप बात कर रहे हो SDM वाली, तो ये आप तीसरे बिल की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो तो उसके अंदर जो है साफ साफ ये बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो आप पहले भी, तो हम जो हमारे जैसे सीरी वगैरह लगाते हैं तो उसमें आप ये बताइए ना उसमें कहाँ पर किस तरह का, बल्कि इसमें तो आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर जो व्यापारी है उसका पैन नंबर होना ज़रूरी है, उसको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए। जो हम पहले यहाँ पे सीरी लगाते थे उसमें कहीं पर ये होता था कि भाई आपका ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप ये देखिए बल्कि ये तो एक स्टेप और आगे बढ़ के कि हम जो है अब सब कुछ जो है कायदे कानून से और बिल्कुल पेपर के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उसमें जो बात है तो यही है कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता रही हूँ मैं कि अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसमें नुकसान ज़्यादा जो है वो व्यापारी का, और SDM कोर्ट में है, SDM कोर्ट के अंदर क्या दिक्कत है, ऑफिसर है वो, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो और उससे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी। और जो बात आप कह रहे हो कि अगर आपकी जो स्टीरियोटाइप जो फसल है वो आप अभी भी मंडियों में बेचो APMC के थ्रू, आप उसमें MSP के ऊपर, उसमें कहाँ दिक्कत है, दिक्कत सिर्फ वहाँ पर है, दिक्कत भी नहीं है बल्कि ये उसकी एक, मैं तो कह रही हूँ कि एक चॉइस है, एक खुली छूट है कि अगर आप कुछ और उगा रहे हो तो उसको आप, अगर जैसे आप, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपने कीनू उगा रखे हैं और कीनू से अगर कोई व्यापारी जो है वो व्यापार करना चाहता है और उस कीनू को वो जूस के रूप में बॉटल्स में भर के वो बेचना चाहता है तो उसमें वैल्यू एडिशन होगी, तो वैल्यू एडिशन होगी तो वो क्या करेगा, वो व्यापारी हमारे किसान भाई के पास आएगा और उसकी फसल का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भैया तेरे इतने कीनू जो है वो मैं लूँगा। इसमें बल्कि मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, ये बात आपने बड़ी अच्छा सवाल किया आपने कि इसके अंदर अभी तक क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होती थी कई बार परचेज उससे ज़्यादा हो जाती थी। अभी पिछले दिनों जो सुना होगा आपने क्या दिक्कत थी वो, तो ये उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए पोर्टल में अपना जो है मेरी धरती मेरा ज़मीन मेरा ब्यौरा जो है उससे आपका ब्यौरा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपके पास इतनी प्रोडक्शन है, आपकी जितनी प्रोडक्शन है सरकार खरीद करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये तो एक तरह से जो काला बाजारी करने वाले लोग थे, जो नंबर दो का गड़बड़ घोटाला करने वाले लोग थे, वो सब एक तरह से इसके अंदर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि आज जो ये इस तरह का एजिटेशन कर रहे हैं ना, ये वही लोग कर रहे हैं जो उस तरह के काला बाजारी वाले लोग हैं, जो उस तरह के बिचौलिए लोग हैं, जहाँ उनको दिक्कत आ रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारी दुकानदारी कहाँ से चलेगी, ये दिक्कत ही वो लोग कर रहे हैं। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान बहुत खुश है। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी जो हैं वो जमीनी स्तर पर खत्म हो चुके हैं और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, तो उनको ये उसको ये हथियार के तौर पर जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान भाई जो है वो इस बात को समझता है और समझ जाएगा। आप ये देखिए वो व्यस्त है अपनी फसल को बेचने में, अभी जो समय है जो जीरी का जो समय चला हुआ है, जो खरीद का चला हुआ है, तो वो अपने उसको फसल को बेचने में व्यस्त है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं वो अपने इधर उधर लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भी बिल्कुल जो है डटे हुए हैं यहाँ पर और हमारे किसान भाइयों को समझाएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे कि आप जो है इस बात को समझो कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने कब ये बात कही थी कि हमारे किसानों की सोच मैं करूँगा और उनकी आमदनी को दुगुना तिगुना करके रहूँगा, और आप खुद आपने अपने आप बिल्कुल सविवेक से सोचिए कि जो
कहाँ तो हम जो गेहूं का एमएसपी है या कि हम चावल को जो है इनको, और अगर हम सब्जी जो हमारी कैश क्रॉप भी हम जिसको बोलते हैं, कितनी जल्दी तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी तो उसकी प्रोडक्शन होती है, और अगर आप उसको और उसका रेट भी जो है किसान को अच्छा मिलने वाला है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप सारी की सारी धरती के ऊपर आपको कौन कह रहा है कि आप सब सिर्फ सब्जी सब्जी लगाइए, आप सिर्फ किन्नू किन्नू लगाइए, आप कुछ पे जो है वो गेहूं लगाइए, कुछ पे चावल लगाइए और कुछ पे सब्जी लगाइए, कुछ पे आप हॉर्टिकल्चर के हिसाब से फ्रूट्स लगाइए, सीडलेस फ्रूट्स आ रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि किसान भाई बहुत जल्दी जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि वो जो प्रदेश की राजनीति है उस प्रदेश की राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हो गए, अंदर से उनको भी पता है कि बिल बहुत बढ़िया है लेकिन जो स्टेप उन्होंने ले लिया तो अपने विवेक से लिया, मुझे लग रहा है कि वो उस बात के लिए उनको पछताना पड़ेगा। ये ऐसा है कि पहले तो देखिए ये तो आप मानते हो कि हमारी सरकार ने ही आके जो है वो इतनी फसलों के ऊपर एमएसपी किया, कांग्रेस के समय में तो सिर्फ ये 2-3 फसलों के ऊपर ही एमएसपी होता था, नहीं होता था ना पहले और किसी चीज़ के ऊपर। आप देखिए आप हमारी सरकार ने कितनी फसलों के ऊपर एमएसपी कर दिया, तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि हमारी सरकार ने जब एमएसपी भी किया है, आप मुआवजे की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस एरिया में खासकर करोड़ों रुपए का मुआवजा जो मिला है, 2.5-2.5 रुपए के चेक मिले हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, तो ऐसे उसमें किसान भाई मानता है 2-2 हज़ार रुपए के चेक गए हैं उनके जो प्रधानमंत्री निधि योजना उसके अंदर, और 3 किस्तों में 6-6 हज़ार रुपये उनके खातों में गए हैं और मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी वाले क्या कहते थे कि जी 100 रुपया ऊपर से चलता है नीचे तक आते आते 15 हो जाता है, अब अगर 100 रुपया चलेगा तो 100 ही पहुंचेगा, 2000 चलेगा तो 2000 ही पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं कि नहीं है, हाँ या ना कह दो भाई। देखिए ऐसा है कि अगर पहले कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कांग्रेस के समय में प्रीमियम तो नहीं कटता था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो अभी लागू हुई है। नहीं एक बात बताइए, आप प्रीमियम ना काट के आप 2-2.5 रुपए में खुश हैं, मतलब हम भी वही करना शुरू कर दें, प्रीमियम नहीं काटेंगे लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो 2 रुपए का चेक दे देंगे, 2.5 रुपए का चेक दे देंगे, आप खुश हैं उससे? अभी भी तो एक गांव को एक यूनिट मांग रखा है, अभी एक किसान को लाभ नहीं मिला। आप देखिए अब तो मिनिमम किया हुआ है कि इससे कम जो है इससे कम का मुआवजा तो इससे कम का चेक तो कटेगा ही नहीं, इतना हमारी सरकार ने फिक्स किया है। तो इसलिए आप, मैं कह रही हूँ कि आप किसान भाइयों से पूछिए, आप मेरे पास जो दुखी हैं परेशान हैं जो किसान जिनको दिक्कत है उनको लेके आइए मेरे पास, यदि हमें ये दिक्कत है तो अगर वो विरोध कर रहे हैं वो मेरे पास आए मेरे से बात करें, मतलब अगर नारे लगा के झंडे दिखा के मेरी गाड़ी के ऊपर वो डंडे मार के वो अच्छा तरीका विरोध करने का, मेरे पास आए मेरे से बात करें। और मैं तो फिर भी नहीं रुकी, मैं तो फिर भी गई हूँ, मैंने पूरी जो वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे जो किसान भाई थे मैंने उनको संबोधित किया, मैं तो फिर भी नहीं रुकी हूँ, ये तो तरीका नहीं होता ना। ये नहीं है, लेकिन किसान मतलब आप ये कह रहे हो कि हम उनको अप्रिशिएट करें? नहीं मैडम, आप नहीं, आप तो यही चाह रहे हो कर रहा है तो पिपड़ी में आप नहीं प्रदर्शन कर रहा है, नहीं आप एक मिनट आप जब नहीं आप ये चाहते हैं कि भी आप ठीक है आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाठी मार ले, वो आपको लग रहा है ये जिस तरह से कल उन्होंने किया है, महिला होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आप खुश हो आप ले आओ किसानों को, मेरे को लाठी मारने से अगर उनको तसल्ली होती है, अगर उनको ये लगता है कि भाई हम गलत हैं तो वो करें जो उनको करना है, हम जो हमको लगता है कि ठीक है हम उस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए फूलों का तो बहुत अच्छा, इसका तो बड़ा जबरदस्त जो है बिजनेस है, बहुत से स्टेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर जो है फूलों की खेती बड़ी जबरदस्त होती है, और बल्कि आप बात करते हो आप सिंगापुर मलेशिया की बात कर लो, आप वहाँ के जो ऑर्किड हैं वहाँ के जो खास जो प्लांट्स हैं वो तो मुझे लगता है कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसलिए जो है हमें थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, और जब भी कोई किसी तरह की कोई परंपरा जब हटती है ना तो एक बार जो कुछ रूढ़ीवादी टाइप के जो कुछ लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है, सती प्रथा बड़ी हमारी चल रही थी है ना, और जब सती प्रथा को ख़त्म किया राजा राम मोहन राय जी ने तो आप ये देखिए सब कह रहे नहीं ये तो एक औरत का वो धर्म बनता है कि अगर उसका पति मर गया तो उसको मरना ही पड़ेगा, कुछ लोगों के दिमाग में बात भी आई कि भी धर्म तो है ये, एक अगर धर्म पत्नी है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भी अगर पति मर गया तो उसको मरना ही पड़ेगा, लेकिन आज अगर हम उस बात को सोचें तो आपको नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी ज्यादती थी कि जिस इंसान को परमात्मा ने पैदा किया है वो अपनी मौत ही मरे, वो आत्महत्या की तरह से क्यों मरे वो? इसीलिए एक जो परंपरागत चीज जब भी चलती है ना उसको जब भी आप ब्रेक करोगे इसके लिए बहुत साहस चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साहस किया है वो, तो जब भी आप इस तरह का काम करोगे ना तो उसमें
हमें इफ एंड बट लगता है कि अगर ऐसा हो गया तब कैसा होगा, अगर ये नहीं हुआ तब कैसा होगा। देखो MSP निर्धारित कर दी और उसके हिसाब से चल रहा है सिस्टम, और फिर भी अभी तो डेट है ना, अभी तो खरीदी की डेट है ना, डेट है, लेकिन हाँ। मैडम किसान का नहीं, तो आप मुझे बताओ कि कौन से अधिकारी मैं के उस पे पार्ट पे दिक्कत है, बात करती हूँ, हाँ मैं मंडियों का दौरा करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ एक एक किसान से बिल्कुल दौरा करती हूँ, बिल्कुल है। नहीं स्टेज नहीं, आप एक बार ना मेरे को, और भी पहले मैं बता दूँ, कई जने मेरे को अभी कल परसों मेरे सोशल मीडिया पे आ रहा था कि जी निहाल चंद जी ने जो है ना वहाँ पर ये ट्रेन का ये कर दिया, आपने क्या किया जी, और राहुल कस्बा जी ने ट्रेन के लिए कर दिया, आपने क्या किया जी। मैं कभी एक बार सिर्फ एक बार ये पता कर लो कि निहाल चंद जी कितने साल से मेंबर पार्लियामेंट है, पिछले 25 साल से मेंबर पार्लियामेंट है वो, और दूसरी बात ये पता कर लो कि जब वो बने थे तो पहले साल में ही, बढ़ते ही उन्होंने पहले साल में कितने सवाल जो है वो पार्लियामेंट में उठाए थे, अपने इलाके की बात रखी थी। आप एक साल बनाम 25 साल कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है ऐसे हाथों पे सरसों तो मैं कैसे उगा दूं। अगर मैं अपने मेरी मेहनत में या कि मैं कहीं पर भी जो भी किसी भी ऑफिसर से बात करनी है, किसी भी मंत्री से बात करनी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, मैं तो सारी चीज़ें पब्लिक कर देती हूँ कि मैंने अब इससे बात करी या मैंने उनसे बात करी, और अभी तो एक साल हुआ है, आप निश्चिंत रहो, अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हो, अपने सिरसा इलाके को 100% जो है हम आगे लेकर जाएंगे। वो फूड प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट जो है वो हमारी हरसिमरत कौर जी के पास था, तो अभी वो डिपार्टमेंट उनसे अगर इतने बात करी इतने तो वो निकल ली, गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सब पता है कि किस तरह से हल चलाते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो प्याज जो है वो नीचे उगते हैं कि ऊपर उगते हैं, है ना। और आप किसी भी अभी मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप किसी भी कांग्रेस के नेता को यहाँ पे ले आइयो, और एक जो चाहे घास लगा लो या कोई सब्जियां लगा लो, उसकी जो वो होती है ना पांड बोलते हैं उसको, वो उसको बांध के दिखा दे और मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर क्योंकि क्या होता है ना कि नहीं मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं, नहीं यही ये मैं मानती हूँ, ये मैं मानती हूँ इस बात को कि ये हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं ये उनकी कमी लगा लो आप, लेकिन अब इस हमको बहुत ज्यादा इसको देर नहीं लगेगी, अब हम इसको इस कमी को दूर करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। क्योंकि चार आदमी ने अगर काले झंडे दिखा दिए तो बंसीलाल ने किसी समय में कहा था कि मैं मेरी माँ के काले दामन से नहीं डरा, बोला इन काले झंडों से क्या डरूंगा, तो हमने इन काले झंडों से क्या डरना, हमने देखिए ऐसा है कि उन्होंने इस पर विचार किया था और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी हुई है, आप अगर उनका मैनिफेस्टो देखें आप तो उसमें उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था, और उनके अजय माकन जी जिसमें साथ में राहुल गांधी जी बैठे हुए, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बातें कही हैं, क्योंकि हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे चाहे हम मनरेगा की बात करें, मनरेगा जो है उनके समय में भी था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उस समय में मनरेगा में कितने कितने लोग ऐसे थे, हजारों हजार लोग, कि जो अपने कैसा झूठा सच्चा लिखवा के मरे हुए लोगों के नाम पे पैसे जा रहे थे, मानते हो कि नहीं मानते हो, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी एग्जीक्यूशन है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए। हमारी सरकार ने ये किया है कि वो ठीक तरीके से जो मेहनत करे पैसा उसी के पास जाए ना। नहीं दिया है, नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने तो जो है वो इतनी फसलों के ऊपर MSP घोषित भी नहीं किया था। हमारा बाजरा पिछली बार बिका के नहीं बिका, नहीं बिका है, ऐसी बात नहीं, देखो ऐसे ना करो, अभी मेरे पास फिक्र नहीं है। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने सारा जो है वो, मैं अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आप कहो तो मैं लेके बता देती हूँ कि कितना मीट्रिक टन जो है गेहूं बिका है, कितना मीट्रिक टन जो है वो चावल बिका है, कितना मीट्रिक टन बाजरा बिका है, कितना मीट्रिक टन मक्का बिका है, एक एक का हमारे पास ब्यौरा है जी। ऐसी बात नहीं है सिर्फ आपने कह दिया और मैं कह दूं कि अभी नहीं बिका, ऐसा नहीं। ये इसीलिए ये फायदेमंद है कि ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी सबके सब जो हटाने के बाद अब फ्री हो जाएगा, और वो भी आराम से अपना जो है किसान भी अच्छी तरह से जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ठीक तरीके से बेचेगा। नहीं अभी करेंगे, अभी बात करते हैं, ठीक है। और कुछ मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले उस नेता से ही पूछना चाहिए भी, इसका मतलब कांग्रेस के में भी इस चीज़ को लेकर बाइफर्केशन है कि कुछ नेता तो कहते हैं कि हमारे फेवर में है, कि ये बिल बहुत अच्छा है किसानों के फेवर में, और कुछ ये कह रहे हैं कि उनके फेवर में नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो उनसे ही बेहतर है कि अगर आप उनसे ही पूछें तो कह भैया जो फेवर कर रहे हैं वो आ जाओ बीजेपी में।
स्वागत है। ये तो पहले तो मैं खुद पूछना चाह रही हूँ कि कौन लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, है ना, और आप लोगों के बीच में ही हूँ मैं। और जब भी देखिए, एक चीज़ ये है कि हम जो है पहले जब इतना नहीं था कोरोना तो हमने इसको उतना सीरियसली लिया, और अब जब ये इतना बढ़ गया है तो हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप ये देखिए कि हमारे 2 लोकसभा के सांसद, 1 हमारे MOS जो है रेल मंत्री, 1 हमारे राज्यसभा के सांसद, 4 इनकी डेथ हो गई है। आज ही हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, 1 उनके फादर की मोंगा साहब की डेथ हुई थी, और राजू मोंगा जो उनका बेटा, वो भी एक्सपायर। हाँ, डबवाली में पिछले दिनों ही एक ही दिन में 5 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। एक एक परिवार से अगर 3-3, 4-4 सदस्य जा रहे हैं तो हमें आप ये बताओ कि अगर उनको ये लगता है कि मेरे आने से यहाँ पर कुछ कहीं इतना सा भी किसी को फायदा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मेरे आने से यहाँ पर किसी मेरे कार्यकर्ता को अगर नुकसान हो जाता है, अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना भर कि जो गुमशुदा है, या आप मेरे को काम बताओ, कहीं भी कोई काम में कहीं कोई दिक्कत है तो मैं चाहे कहीं भी बैठी हूँ, लेकिन कहीं काम किसी का कोई भी कार्यकर्ता का आता है तो मैं उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतते, हम लोग तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। सिर्फ ये तो छोटे मोटे लोगों की शोशेबाजी होती है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाथरस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कल भी, मेरा आज तक पे जो डिबेट था इसके ऊपर, और मैंने आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको मैंने उसी समय में भी ये बात कही थी कि जो निकम्मे नकारा अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और उन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और योगी जी ने भी ये बात कही है कि सबक मिलेगा, ये इन दोषियों को वो सज़ा मिलेगी कि आगे कोई जो है करने से पहले 100 बार सोचेगा और रूह कांप जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जो है इसमें न्याय करेंगे। ये ऐसी बात नहीं है, योगी जी जो है हमें पूरी इस बात का विश्वास है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देंगे। वो किस तरह से क्या मैनिपुलेट करके फोटोज़ का आजकल कुछ नहीं कह सकते हम लोग। मैंने खुद ही अभी देखा, मैं हैरान हो गई, मेरी फोटो एक आपने देखी होगी कि वो जो पगड़ी वाली है उसमें वो बिल्कुल ही किसी और का चेहरा लगा के, सारी ड्रेस वही है, सारी वही है। मैंने कहा ये तो मतलब इसमें तो बड़ी मैनिपुलेशन चलती है, मतलब मैं खुद आपको दिखाऊंगी अभी, बिल्कुल ये लगता ही नहीं है कि ये मतलब कोई और है, चेहरा कोई और है, और पगड़ी वही है, मेरी ड्रेस सारी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ चेहरा और है। तो ये मैनिपुलेशन हो जाते हैं सर जी के। मैं वही कह रही हूँ कि ये बजे हुए ढोल हैं, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं भी किस तरह से जो है अपने ज़मीन को तलाश रहे हैं, राजनीतिक ज़मीन जो खिसक चुकी है बिल्कुल। कितने सालों से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, कभी मम्मी ले लेती हैं, कभी बेटा ले लेता है, कभी फिर मम्मी ले लेती हैं, कभी फिर बेटा ले लेता है। तो ये देखिए ऐसा है कि एजिटेशन करने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह का जो है वो कानून अपने हाथ में ना लें, और कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे कानून व्यवस्था जो है वो डगमगाए।